कक्षा चौथी हिंदी। हमारे त्यौहार चित्र वाचन देखो समझो और बताओ। चित्र वाचन मतलब जो चित्र हमें दिए हुए हैं वो चित्र को देखकर हमें ये पाठ पढ़ना है। अभी इस चित्र में हमें त्योहारों के बारे में बताया हुआ है। चित्र देखकर हमें जानना है कि ये कौन सा त्यौहार है। घर घर दीप जलाए प्रकाश का पर्व मनाए। अभी यहाँ पे कंदील लगा हुआ है, किसी के हाथ में दिए हैं, कहीं पे और कंदील लगाया है, मिठाइयाँ है हाथ में, सब लोग ने नए कपड़े पहने हुए हैं। मतलब समझ में आता है कि ये एक दिवाली का त्यौहार है। और वाक्य में उन्होंने दिया है घर घर दीप जलाए प्रकाश का पर्व मनाए। अभी दिवाली, ये दिवाली का त्यौहार है जो हम अक्टूबर नवंबर के वक्त में मनाते हैं। दिवाली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद घर लौटे थे, तो लोगों ने, अयोध्यावासी ने खुशी से झूमकर उस दिन मिठाइयाँ बनाई थी और घर घर दीप जलाकर उन्होंने ये दिन मनाया था। इसलिए हम साल भर में दीपावली का त्यौहार मनाते हैं भगवान श्री राम के खुशी के याद में। शीरखुरमे का स्वाद ईद रहे सदा याद। शीरखुरमा, अभी शीरखुरमा हम कब बनाते हैं? ईद में बनाते हैं। वो मीठी खीर रहती है और ये त्यौहार मनाया जाता है इस्लाम धर्म के लोगों में। हम भी आजकल मनाते हैं, अपने जो दोस्त रहते हैं, मुसलमान दोस्त रहते हैं, उनके घर पे जाते हैं, खीर खा के आते हैं उनके घर पे, और उन दिन मेहमानों को बुलाया जाता है, सब एक दूसरे के घर पे जाते और शीरखुरमा खा कर आते हैं, जिसे हम खीर भी कहते हैं। सांता आया उपहार लाया। अभी जो अपकमिंग आने वाला जो त्यौहार है वो है क्रिसमस। अभी इस त्यौहार में रहता है कि एक ऐसा माना गया है कि सांता आता है और सबको गिफ्ट देके जाता है। इसलिए जो छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं वो रात को सोने के वक्त अपने पास में कहीं पे ऐसे कोई विश लेके सो जाते हैं या कुछ बांध के सोते हैं, और उनका मानना है कि सांता आएगा रात भर में और उसमें उनके लिए गिफ्ट रख कर जाएगा। इस त्यौहार को ऐसे क्रिसमस ट्री को सजा किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, केक कट किया जाता है और एक दूसरे को गिफ्ट देके ये त्यौहार मनाया जाता है। आया बैसाखी का त्यौहार घर घर भांगड़े की बहार। अभी बैसाखी का त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। ये सिख धर्मों का न्यू ईयर रहता है, जैसे कि मराठी लोगों का गुड़ी पड़वा के दिन रहता है न्यू ईयर। क्रिसमस मतलब जो क्रिश्चियंस रहते हैं उनका 1 जनवरी को नया साल रहता है। सबका अलग अलग नया साल रहता है, वैसे सिख धर्म का रहता है बैसाखी का त्यौहार रहता है, उस दिन उनका नया साल रहता है, 13 या 14 अप्रैल को वो मनाया जाता है। ये मनाया जाता इसलिए है क्योंकि किसान लोगों की खुशी का दिन रहता है, क्योंकि उनकी फसल अच्छी आती है उन दिनों में, और उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग ये बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। तो बैसाखी का त्यौहार ये सिख धर्म के लोगों का नया साल रहता है जो 13 और 14 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। अब हमारी अगली कविता है इंद्रधनुष। कविता सुनो दोहराओ और गाओ। इंद्रधनुष ये कविता घमंडीलाल अग्रवाल ने लिखी हुई है। कवि का नाम है घमंडीलाल अग्रवाल। इस कविता में इंद्रधनुष का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। एक सुंदर सा चित्र दिखाया हुआ है इंद्रधनुष का और उसके सातों कलर बताए हुए हैं। पहला रंग बैगनी रहता रंग, दूसरा नीला रंग, आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला रंग। पहला रंग बैगनी, तो अभी पहला रंग इसमें बैगनी बताया हुआ है और रंग दूसरा नीला, सॉरी पहला रंग बैगनी, बैगनी रंग दूसरा नीला रंग, आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। ये तो इतने कलर साथ में उन्होंने बताए हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कि पहला रंग उसका रहता है बैगनी, दूसरा रहता है नीला, उसके पीछे रहता है आसमानी और फिर पीला, हरा और पीला। छठा रंग नारंगी देखो लाल सातवां प्यारा। छठा रंग नारंगी जो बहुत ही लाइट हल्के कलर में हमें
दिख रहा है और उसके बाद सातवां रंग है वो है लाल रंग। इंद्रधनुष में सात रंग का दिखता सदा नज़ारा। अभी इंद्रधनुष आपको कभी भी दो कलर, तीन कलर, पांच कलर, छह कलर में नहीं दिखेगा, तो वो जब भी दिखेगा आपको सात कलर, पूरे सात कलर में दिखेगा। इसलिए कहा गया है इंद्रधनुष में सात रंग का दिखता सदा नज़ारा। जब भी वर्षा थम जाती है सूरज चमक लुटाता। अभी इंद्रधनुष जब भी बारिश होती है तब तब नहीं दिखता, कब दिखता है? जब जब धूप और बारिश साथ में होती है। आपने कभी भी देखा होगा कि कभी भी बारिश होती है तब अंधेरा हो जाता है, उस वक्त में कभी भी इंद्रधनुष नहीं दिखता। जब भी धूप और बरसात साथ में होती है तब इंद्रधनुष दिखाई देता है। नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष सज जाता। और ऐसे ही उस पूरे आकाश में इंद्रधनुष इस तरीके से पूरा सज जाता है। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में वह तो नाम कमाए, अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए। जब भी इंद्रधनुष हम इंद्रधनुष को देखते हैं हम लोग खुश हो जाते हैं, बाकी लोगों को भी बुलाते हैं, आओ इंद्रधनुष दिख रहा है, देखो देखो, इस तरीके से हम खुश हो जाते हैं। तो नीलाल अग्रवाल ने इस कविता में इंद्रधनुष का बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। स्वाध्याय। चंद्रयुक्त शब्दों को सुनो और दोहराओ। माँ, हाँ, आंचल, दांत, पहुँच, जाऊँगा, धुआँ, परियां। उत्तर बताओ। इंद्रधनुष के कुल रंग, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सबको पता है कुल रंग कितने होते हैं? सात। इंद्रधनुष यहाँ दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है? आकाश में। इंद्रधनुष का पहला रंग, तो उसका पहला रंग पहली लाइन में ही हमें बताया है, पहला रंग बैगनी रहता, तो पहला रंग लिखेंगे हम बैगनी। पढ़ो, समझो और नीचे दिए रंगों की एक वस्तु बनाओ। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बैगनी, फिर नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ऐसे क्रम में उन्होंने दिया हुआ है। नाम लिखो। चमक लुटाता है, कौन लुटाता है? चमक, सूरज चमक लुटाता, तो हम लिखेंगे सूरज। सज जाता, इंद्रधनुष सज जाता, तो हम लिखेंगे इंद्रधनुष। दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। ठ ढ ढ ढ ण ढ ढ, ये डबल आ गया है ढ। आपको वर्णमाला बहुत ही अच्छे से आती है, इसका उत्तर आप खुद ही लिखो। क्या तुमने इंद्रधनुष देखा है? हाँ, हमने इंद्रधनुष देखा है। आपको ये भी प्रश्न उत्तर अपनी कापी में, नोटबुक में लिखना है, हिंदी की नोटबुक में। तो हम उस ये पहले प्रश्न लिखेंगे फिर उत्तर लिखेंगे। हाँ, हमने इंद्रधनुष देखा है। इंद्रधनुष के बारे में बताओ। जो भी आपको इंद्रधनुष के बारे में बताना है, आपको जैसा समझ आए वैसा वर्णन आप इंद्रधनुष के बारे में दो लाइन में कर सकते हो। इसके कठिन शब्द मैं आपको भेजूंगी, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। और यहाँ पे हमारे कविता पूर्ण हो गई है। थैंक यू।